ये होता है द हॉर्स का ह्यूमरस, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होता है, जो ये होता है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ये प्रोमिनेंट दिख रहा है ना, प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंड इन ऑक्सीपस में छोटा होता है, लेकिन हॉर्स केस में बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट जो ये होता है मस्कुलर स्पाइरल जो ग्रूव होता है, ये वाला मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव जो होता है वो ट्विस्टेड होता है, स्पाइरल टाइप का होता है, स्पाइरल होता है। ऑक्सीकेस में इतना स्पाइरल नहीं होता, लेकिन हॉर्स केस में स्पाइरल होता है। तीसरा पॉइंट जो होता है इंटर जो बेसिफिटल ग्रूव होता है, बेसिफिटल ग्रूव और द इंटर ट्यूबुलर ग्रूव फर्दर डिवाइडेड होता है बाय रिज, दो डिवाइड होता है, लेकिन ऑक्सीकेस में सिर्फ एक ही डिविजन रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिफिटल ग्रूव फर्दर डिवाइडेड बाय रिज। एंड इन केस ऑफ द हॉर्स जो लैटरल ट्यूबरोसिटी होता है, जो लैटरल ट्यूबरोसिटी होता है, लाइक द हॉर्स कॉन्वेक्सिटी एंड सममिट होता है, कॉन्वेक्सिटी एंड सममिट, इसमें जो होता है सममिट जो होता है वो स्ट्रेट रहता है, ऊपर हैंग नहीं करते, ठीक, रिमेन स्टेट रहता है। और इसमें जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है वो मीडियल होता है, मीडियल एस्पेक्ट, डिस्टल पार्ट ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट में रहता है। ये तो ऐसा रखो तो मीडियल दिख जाएगा, तो ये मीडियल, ये एंटीरियर हो गया, ये मीडियल हो गया, तो ये मीडियल एस्पेक्ट में रहता है। एंड डिस्टल एंड पे, डिस्टल एंड का मीडियल सरफेस में रहता है, बाकी नॉर्मली रहता है पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक, पीछे पे रहता है पोस्टीरियर सरफेस पे, हो गया। नाउ